बेगूसराय में अपराधियों ने एक ट्रक चालक को निशाना बनाते हुए लूटपाट करने की कोशिश की, जिसके दौरान अपराधियों ने ट्रक चालक को गोली मारकर घायल कर दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास की है। घटना के संबंध में मुंगेर निवासी ट्रक चालक शंभु यादव ने बताया कि जमुई से वह बालू लेकर रोसड़ा जा रहा था, तभी बीती देर रात दो बाइक सवार चार अपराधियों ने बाईपास के पास उसे रोककर पिस्टल की नोकझोंक पर लूटपाट करने की कोशिश करने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने दनादन कई गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली ट्रक चालक को लग गई। गोली की आवाज सुनकर गश्ती कर रही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, जिसे देखकर अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। आनन फानन में पुलिस ने घायल ट्रक चालक शंभू यादव को उठाकर सदर अस्पताल भेज दिया, जहां स्थिति गंभीर होने की वजह से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। फिलहाल उसका इलाज बेगूसराय के निजी क्लिनिक में चल रहा है और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। उधर से मोटरसाइकिल आया, एक बार सामने ब्रेक कर दिया, तब किसी पर चढ़ा नहीं दिएगा, तब सोचे को बात होगा, कुछ जगह को करना पूछता होगा। आया बैंचो ने तन दड़ा दो गो गटवा अथी सो पर चढ़ गया और उधर शीशा भंगने लगा, एगो दहना बगल चढ़ा। तुम कहिए क्या बात है भाई, क्या बात है कर एक मादक, जो तुमको समझ में ना है, जो ऊपर जेब में था 3-4 हज़ार रुपया के लिए ले, उसके बाद भी भाई जो सामने से गोली मार लूटे करने के लिए किया मालिक। हमारे थे बस उधर से बदमाश चार गया और चारों छेक लिया ने मोटरसाइकिल से, और वह छेक किया बस ऊपर पर छिया पर चढ़ के बस मस्तिष्क में मारने लगा, मारने लगा हम सब कितना उम्मीद इसी तरह, पर फिर भी जब लगिए गया वहाँ ड्राइवर लगा बस उसका लगी जो छोटा वो हमारा गोली लग गई, वो कली कहाँ रही क्योंकि वे जब पेटा गई भाई ना करिए जैसे घंटा लग गई, तब हम करिए भाई हल्ला पर लगिए बाबू मार दी कि मगोली मार दी बाबू मगोली मार की, तब वो हथियार लाए ली डम्फर वाला वो बेचारा छकल के रोक ले, तब भाई मोबाइल वाला कर ली तो हम मोबाइल वाला लगा दो हमारा घर पर हैं, तो मोबाइल वाला उन्हें लग के अब बाबा बाबू उन्हें से ले किधर क्या टी सर बुझ लिए भैया वो भाग रहा है बुझ लिया। हम जमुई से जा रहे थे रोसा, क्या ले लेके जा रहे थे बालू था। बेगूसराय से कृष्णा की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।